तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो सब्सक्राइब करके जाना। तो आगे देखो पूरा वीडियो। ये है कोलकाता एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। हमें जाना है एयर एशिया के काउंटर पे, वहां से लेना हमें बोर्डिंग पास। अभी चेक इन में थोड़ा टाइम है, जब तक कॉफी इंजॉय कर रहा हूँ। बोर्डिंग पास ले लिया, अब जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। बहुत लंबी लाइन है। तो बोर्डिंग पास, चेकिंग और इमिग्रेशन लगा के आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो आप कम से कम 3 घंटे पहले जरूर आए। तो हमारा इमिग्रेशन का ठप्पा लग चुका है, ऑफिशियली हम रिपोर्ट हो चुके हैं भारत से। मस्त आगे का सीट मिल गया था, अच्छे से बैठ के आए हैं। इमिग्रेशन यहाँ बहुत क्विक है और इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल है। अगर फ्री है तो फ्री, वरना आपको 2000 लगते हैं वीजा ऑन अराइवल के। फॉर्म फिल करना होता है बस। अभी 7-Eleven से 38 baht का ये लिया है। 38 baht मतलब लगभग 100 रुपये। 100 रुपये में मिला क्या है, ये अमरूद। एयरपोर्ट से निकलते ही नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये एयरपोर्ट की शटल बस की सर्विसेज है। एयरपोर्ट से शटल बस आपको ज़्यादा फाइनली मैं अपने हॉस्टल पहुंच गया हूं। तो जब भी आप थाईलैंड आओ, कम से कम 12,000 baht कैश करा के लाना, क्योंकि यहां पे 10,000 तो मैंडेटरी है लाने के लिए और आपको 2,000 रुपये वीज़ा चार्जेस लगते हैं। तो 12,000 कैश तो आपको पहले से करा के आना है। यहां की टाइमिंग और इंडिया की टाइमिंग में 1.5 घंटे का फ़र्क है। जैसे अभी यहां 9 बज रहे हैं, तो इंडिया में अभी 7:30 बज रहे हैं। बाकी आ गया हूँ, कुछ ऐसा हॉस्टल है। आज तो रेस्ट करूँगा, फिर कल निकलूँगा। ये थोड़ा यहाँ होटलों में चेक इन 2 से 3 बजे के आसपास होता है। तो ये हमारा बेसिसन हॉस्टल, तो 3 बजे के आसपास चेक इन है। तो अभी फिर निकल रहे हैं, देखते हैं अगल बगल क्या है घूमने के लिए। ये 7-Eleven स्टोर, कुछ भी लेना हो आपको तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा और अच्छे रेट पे मिलेगा। यहाँ भी आपको लेज मिल जाएंगे। और ये सी फूड, देखो ये केकड़ा है। तो मैंने तो ये सनस्क्रीन और ये कोलगेट लिया है। देखो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे केले को गर्म करके बेच रहे हैं। यहाँ के बर्गर किंग से ये बर्गर ऑर्डर किया है। भाई इंडिया से तो बहुत आगे निकल चुका है ये। यहाँ पर तो टेस्ला अभी चल रही है, इंडिया में तो अभी लॉन्च भी नहीं हुई है। ये क्या है अभी पता नहीं है, बाद में पता करूँगा। चलते फिरते अभी मुझे 2 इंडियन रेस्टोरेंट मिल चुके हैं अभी तक। है यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट की कमी नहीं है। मिल गया, ये था वट चना सोंग्रम, ऐसे कुछ बहुत अजीब नाम है। यहाँ हमारा स्पाइडरमैन बैठा हुआ है।
रेडी होके निकल चुका हूँ अभी इंडियन कुजीन के लिए, कुछ इंडियन खाना खाने के लिए निकल चुका हूँ अभी। ये आ गए अपने इंडियन रेस्टोरेंट टिक्का एंड टॉक, आगे भी है एक और इंडियन फूड। इनका सही है बाहर ही आपको मेन्यू रख देते हैं, कुछ भी लेना हो रेट देखना हो यहीं से देख सकते हो आप। ये देखो यहाँ पे मगरमच्छ मार के बेच रहे हैं। थाईवात में ये अनलिमिटेड इंटरनेट के लिए मैंने ये सही है डीटेक 5G। यहाँ केकड़े बिक रहे हैं। मेरी जीभ में छाले हो चुके हैं तो बोलते वक्त कभी कभी मेरा टंग स्लिप कर जाता है, तो आप माइंड मत करना। यहाँ पे स्कूटी बहुत अच्छी अच्छी है, खतरनाक मॉडल। ये यामा का है, ये देखो। घूम फिर के बैक टू हॉस्टल आ चुके हैं। हॉस्टल का टूर नहीं दिया ना मैंने आपको। ये बेस स्टेशन, ये है एंट्रेंस, दिस इज द रिसेप्शन एरिया है, और वहाँ पे पूल है, और यहाँ कैफे है। रात के 2 बज रहे हैं और देखो कितनी चहल पहल है यहाँ पे। रात के 2 बज रहे हैं और इतना ज्यादा क्राउड था, इतनी ज्यादा पब्लिक थी, मजा आ गया। 25 रुपए का तो एक पानी का बॉटल है और रिफिल का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। रात में फिर से निकल हुआ था पब ट्रॉलिंग के लिए यहाँ ग्रुप के साथ। रात को 2 बजे लौटा हूँ, अभी उठा हूँ, अभी 1 बज रहे हैं यहाँ पे। अब थोड़ी देर में फ्रेश होऊंगा, रेडी होऊंगा, फिर निकलेंगे कहीं अगले टूर के लिए।